अरविंद केजरीवाल सरकार की कारस्थानी, आज पूरी दिल्ली के घरों में बिजली के बिलों की मार पड़ रही। कारण सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार और बिजली कंपनियों की साठगांठ का भ्रष्टाचार है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पीपीएसी सरचार्ज क्यों लगाया जा रहा है। क्या है पीपीएसी? पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस। किसलिए लगाए जाते हैं? जब पीक अवर्स में दिल्ली को बिजली की जरूरत है तब सरकार महंगी बिजली खरीदती है और उस समय एक या दो महीने के लिए चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन आप अपने बिलों को देखिए, 12 महीने की साइकिल में ये चार्जेस लगातार लगाए जा रहे हैं। कितने चार्जेस लगने चाहिए? 2012-13 में पहली बार पीपीएसी सरचार्ज शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार लाई थी, 1.5%। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी उसका विरोध किया था। 2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा और हमारे श्री पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री बने, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि इस पीपीएसी को हटाया जाए। और 2014 से लेकर सितंबर 2015 तक बिलों पर पीपीएसी नहीं लगता था, 0% चार्जेस। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आते हैं, उस 1.5% को बढ़ाते 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 आज 47.75% तक ले आए हैं। और जो नया आदेश उन्होंने जारी किया है, उनकी सरकार ने 8.75% और बढ़ाने का आदेश दे दिया, मतलब 46-47% पीपीएसी सरचार्ज, जो सीधा सीधा दिल्ली की जनता की जेब पर डाका है। बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये चार्जेस लगाया जा रहा है। अगर आपको मालूम है कि अप्रैल मई में हमें महंगी बिजली लेनी पड़ती है, पीक अवर्स में बिजली की जरूरत ज्यादा होती है, तो दिल्ली की सरकार नवंबर दिसंबर में बिजली का एग्रीमेंट क्यों नहीं करती? पहले से बिजली खरीद के क्यों नहीं रखती? और इस पीपीएसी चार्जेस के नाम पर बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। 12 महीने की साइकिल असंवैधानिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और उसके साथ साथ पेंशन सरचार्ज लगा दिया है। पेंशन किसकी? बिजली कंपनी में जो एम्प्लॉई काम करते हैं, जब वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन देनी है। अरे भैया, बिजली कंपनियां पैसा कमा रही हैं, एम्प्लॉई उनके रिटायर होंगे तो उनको पेंशन देने का काम बिजली कंपनी का है, लेकिन वो भी बिल पर जोड़कर हर दिल्ली के आदमी से वो पैसे वसूले जा रहे हैं 7-7.5%। इस तरह से दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। उसके बाद लोड सरचार्ज, उस पे भी अतिरिक्त भार डाल दिया कंज्यूमर पे। मीटर रेंट के नाम पर हर महीने पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे अनेकों अनेक चार्जेस हैं। अगर एक ईमानदार आदमी का 100 रुपए का बिल है तो 55-60 रुपए उसको चार्जेस देने पड़े, जो संवैधानिक रूप से गलत है। और इस मांग को लेकर हमने डीआरई को चिट्ठी लिखी है, चेयरमैन को, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। और पीपीएसी या जितने भी चार्जेस हैं जो अरविंद केजरीवाल बैकडोर से दिल्ली की जनता से वसूल रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे, उसको वापस करा के छोड़ेंगे।